हिम्मत है तो सरकार गिरा के दिखाओ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विरोधियों को दी चुनौती। राज्यपाल के खिलाफ आक्रामक होगी महाविकास अघाड़ी, संजय राउत और शरद पवार की मुलाकात में महाराष्ट्र बंद पर हुई चर्चा। शाहरुख खान के मन्नत के पास शुरू हुआ रणबीर सिंह दीपिका पादुकोण का घर बनना, कीमत 119 करोड़। थाने में दिल दहला देने वाली घटना, गले में मछली फंसने से 6 महीने के बच्चे की मौत। महाराष्ट्र में कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले 18 वर्ष से अधिक वर्ष के छात्रों का वोटर रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दी जानकारी। और कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं औरतें, भरी सभा में फिसली बाबा रामदेव की जुबान, अमृता फडणवीस भी स्टेज पर थी मौजूद। घर में खुदाई करते समय जमीन के अंदर से गुप्त धन मिलने की बात बताकर लाखों का ठगी करने वाले राजस्थानी ठग गैंग के 2 सदस्यों को क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने अंधेरी से किया गिरफ्तार। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क को मिला शेरों का नया जोड़ा, जोड़ी में एक नर शेर और एक मादा शेर शामिल। सड़क चलती लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर गंदे कमेंट लिखकर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने मलाड पुलिस के किया हवाले। मुंबई के सड़कों पर नहीं मिलेंगे एक भी गड्ढे, कॉन्क्रीटकरण के लिए बीएमसी ने निकाला 6000 करोड़ का टेंडर। अमिताभ बच्चन के झुंड फिल्म में काम करने वाला प्रियांशु क्षत्रिय चोरी के आरोप में गिरफ्तार, प्रियांशु 18 साल का है। महाराष्ट्र कर्नाटक नया विवाद स्क्रिप्टेड, शिवाजी महाराज के अपमान से ध्यान हटाने की साजिश, बोले राउत। टिटवाला में दिल दहला देने वाली घटना, नशे में धुत पति ने कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं होंगे अमिताभ बच्चन के फोटो और आवाज, दिल्ली न्यायालय ने दिया आदेश। मुंबई के लिंकिंग रोड पर ब्रांडेड जूते कपड़े बेच रहा कोहली का हमशक्ल, विराट कोहली ने प्यूमा को किया अलर्ट। सरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ रुपयों की ठगी मामले में 7 गिरफ्तार, अदार पूनावाला के नाम पर लगाया था चूना। मुंबई एयरपोर्ट पर शराब की बोतलों में छिपा रखी थी 20 करोड़ की कोकीन, मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्कर। जियो की बड़ी तैयारी, ला रही नई सर्विस, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बादशाहत खत्म करने का प्लान, कंपनी एक शॉर्ट वीडियो ऐप लेकर आ रही है। जसप्रीत बुमराह ने दी टीम इंडिया को खुशखबरी, मैदान में उतरने को तैयार, बुमराह ने वीडियो किया शेयर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर, कई जख्मी। मीरा रोड में बनेगा महाराष्ट्र का पहला हिंदी भाषा भवन, यूपी के मंत्री के हाथों रखी जाएगी आधारशिला। राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी को मतदाता सूची पर काम शुरू करने का दिया निर्देश। मुंबई में आज चांदी के दामों में आई गिरावट, चांदी 62,000 रुपए किलो। शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स निफ्टी अब तक के उच्च स्तर पर बंद, सेंसेक्स 62,293.64 अंक के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। वादल से मराठी मानों से विवादों में घिरे कोश्यारी के समर्थन में उतरी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस।